अचानक सब बदल क्यों रहा है? जाओ अपने ऋषि को उस लक्ष्मी से वापस लेकर आओ। उस चालबाज लक्ष्मी की यही तो चाल है कि हम लोगों को अपने नए नए खेलों में उलझा ले और ऋषि को अपनी मुट्ठी में कर ले। आहना के केस में भी तो उसने यही किया। उसे लगा कि हम सब आहना की प्रॉब्लम में बिजी हो जाएंगे और उसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं, और हमने अनजाने में एग्जैक्टली वही किया। हम आहना की प्रॉब्लम में इतना बिजी हो गए कि किसी ने ये सोचा ही नहीं कि ऋषि और लक्ष्मी का डिवोर्स हुआ ही नहीं है। लक्ष्मी अब भी हमारे ही घर में है। और वो क्या कर रही है? वो धीरे धीरे ऋषि को अपनी तरफ कर रही है, हम सबकी नजरों के सामने, और हमें भनक भी नहीं होने दे रही। वो क्या है नानीदा प्यो, तमीज ही नहीं है। माँ ने तमीज नहीं सिखाई तुझे? तमीज कहीं का? खुद ने अपनी बेटी को तमीज सिखाई होती तो हम जैसे आज मासूम, इतने प्यारे, इतने दुलारे, इतने अच्छे बच्चे, हम भी तमीजदार होते है ना। हाय भाई, मेरी बेटी को बदतमीज बोला तूने? मेरी बेटी को भले के बोला उन्हें कुछ? आज तू तो नाच गया पक्का। आज तेरी चटनी ना बना दी ना तो मेरा नाम बदल। इधर इधर आ, मैं कह रही सामने आ। काहे डरपोक, सामने आ। ऐसे कैसे सामने आऊं? पागल हूँ मैं? जब देखो लपड़ मार दिया तो मुझे, ऐसे कैसे सामने आऊंगा? मैं नहीं आ रहा, नहीं आऊंगा। मेरे हम कहीं की आयुष नानी है वो, ऐसे बात करते माफी मांगो। माफी? और मैं और भी इनसे? इम्पॉसिबल। अच्छा बेटा, मत मांग तो माफी, लेकिन मैंने भी ना तेरी शादी जल्दी ना करवाई तो मेरा नाम भी नहीं है। शादी कहां से बीच में आ गई? नानी ये रखो, मैं पैरों में गिरता हूँ, पैरों में गिरता हूँ, माफी मांगता हूँ, माफ कर देना नानी। ये नादान सा बच्चा, ये भोला सा बच्चा मर जाएगा, जी नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा? शादी होगी तो बर्बाद हो जाऊंगा भाई। मैं मेरी शादी मत कराना नानी, माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मत कराना। अब तो देख क्या करती हूँ मैं। क्या करेंगे मेरे साथ? ऐसा क्या करने वाली है नानी? आराम से। अरे नानी यार मेरी बात तो सुनो। सॉरी, आप दोनों कंटिन्यू करो। सॉरी। कौन है? बाहर निकल, तेरे बाप की गाड़ी हो। तेरे बाप की गाड़ी है ठीक है, और मेरे बाप की? ज्यादा बकवास ना करे, समझ गया? बल्लू बल्ली ज्यादा कानून बाज ना बने तू, दिमाग खराब रखा मेरा। देख रहा बचने के लिए कैसे कैसे घूम रहा, बल्लू से बल्ली बन गया मैं। सारा सड़कों में मारा मारा फिर रहा मैं कल से। ले देखे, एक मेरे पास खोल ली थी, दो टैक्सी थी, एक टैक्सी का इंजन खराब हो रहा, खटारा होकर खड़ी हुई, दूसरी मेरी पार्किंग में खड़ी हुई, क्या करूं? खोली का रिकॉर्ड जो है पुलिस वालों के पास है, एड्रेस कहां जाऊं, कहां मरूं जाके? मुझे क्यों बुलाया? चुम्मी करनी थी तेरी ना, घर लेके चल मुझे अपने, जल्दी चल यहां से। चल ठीक है, मैं चल, रुक जा घर ना लेके जा। हाँ, वो दोनों लंगूर पहुंच जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। कौन लंगूर? कौन है लंगूर? वो सन की आशिक ऋषि और उसका वो भाई उसका पागल आयुष। कहीं जुगाड़ कर, चल चले के चल मुझे। भाई यार अब मैं क्या जुगाड़ करूं तेरे लिए? बस निकल गई इतने में फुस्सी तेरी। ताले जब तुझे जरूरत पड़ती तो क्या होता था? बल्लू भाई बल्लू भाई। आज मुझे जरूरत पड़ी तो क्या कह रहा? मुसीबत के टाइम पे क्या करूं जुगाड़? सही है। ओ बहन जी, ताए के पैसे कौन देगा? दे देंगे पैसे, भाग के जाने का बहन जी पैसे लेके। एक काम कर, मसाला वाली चाय लेके मेरे लिए। चल भाई यार, सर में दर्द कर रखा तूने बल्ली। बहन जी, जीजा जी के लिए भी आपके जैसी बना दूं, मड़ाई मार के एकदम सब पे सल चाहे। ले आना ले आना, जो लाना ले आओ, कोई बात नहीं, जाओ लेगा। लाता हूँ बहन जी। देख ले कैसे दिन आ गए मेरे, ये दो कौड़ी का आदमी देख मुझे क्या बोल रहा है। भाभी बता रहा मुझे, तो एक बात बता कहाँ लेके चलो तुझे? बता भाई मुझे क्या पता कहाँ लेके जाना। यार तूने दिमाग खा दिया बल्लू। गुट्टू रिस्क है, मेरी बात मान जा, कहाँ चक्कर में पड़ रहा तू चाय के? कहे का रिस्क है? एक बात बता, जब तुझे मैंने नहीं पहचानना दूसरे क्या पहचान लेंगे तुझे? और एक बात बता, अगर ऋषि ने पुलिस से तेरी शिकायत की है तो ये बात भी तो नहीं पता ना हमें है? और अगर ऋषि तुझे खुद ढूंढ रहा है, अब तू तो बल्लू को ढूंढ रहा है, तू तो बल्ली है मेरी लुगाई। लुगाई लुगाई ना करे तो चल, एक काम करे, चाय मैं भी पी रहा, देखा जाएगा जो होगा। चल चल भैया, ध्यान रखिए बस, ठीक है? जैन, दो चाय। अभी लीजिए जी। मैम कॉल डिटेल्स तो बाद में पे चलेगी, लेकिन एक बात पे चली है। क्या? मैडम ऋषि और लक्ष्मी की शादी हुई है, लेकिन जैसे बलविंदर की शादी लक्ष्मी से होने वाली थी, वैसे ही ऋषि की शादी मलिशा से होने वाली थी। अच्छा। यस मैम। फिर ऋषि और मलिशा की शादी क्यों नहीं है? मैम ज्यादा तो कुछ पता नहीं चल पाया, पर अभी भी जब तलाक का केस फाइल किया हुआ है, ऋषि मलिशा से सगाई करने वाला था। व्हाट?
ऋषि की सगाई मलिष्का से, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी तो बहुत प्यार करते एक दूसरे से, तो फिर एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं ऋषि और लक्ष्मी का बीता हुआ कल आपस में मिले हो? मतलब कौन दोनों? बलविंदर और मलिष्का। हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पता करना पड़ेगा। बस एक बार कॉल रिकॉर्ड्स हाथ में आ जाए ना, बहुत कुछ पता चल जाएगा। धन्यवाद मैडम जी, ये लीजिए। ये लो भाई। अरे थैंक यू। एक मिनट सुनिए, मारा तू बल्लू, देख लिया इसने तुझे शायद। दवाई तो खानी पड़ेगी, चल। दादी दवाई खानी पड़ेगी, लो। ये वाली तो बिल्कुल नहीं खानी, ये खाती हूँ तो मेरे को उल्टी जैसी होती है। दादी आप क्या, आप वापस से बच्ची बन गई? आप बच्ची बनोगे तो पता है ना मैं क्या बनूंगी? मम्मी। हाँ, और वो भी बहुत गुस्से वाली। चलो फटाफट दवाई खाओ, लो खाओ। नहीं। पक्का नहीं खाओगे? ठीक है, तो फिर मैं नीचे जाके सबको बता देती हूँ कि आप किसी की फोटो से बात कर रहे हो, गाने गा रहे हो, आई लव यू भी बोल रहे हो, और ये भी बोल रहे हो कि हम दो थोड़ी ना है, हम तो एक हैं, एक जान। सब बता दूंगी नीचे जाके, मैं बता दूंगी कि आपका अफेयर चल रहा है किसी के साथ। ब्लैकमेलिंग? अच्छा दे। पानी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। मतलब आप पर ब्लैकमेलिंग ही असर करेगी क्या? दादी एक बात बोलूं, मुझे ना देखना है ये किसकी फोटो है, प्लीज। बस एक बार दादी, बस एक बार दादी, थोड़ी सी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना? छोटी मोटी जबरदस्ती से कुछ नहीं होने वाला। तो बड़ी जबरदस्ती करती हूँ, फिर लाओ मुझे दिखाओ। दादी दिखाओ ना प्लीज, बस थोड़ी सी तो दिखा दो दादी। मैं बस थोड़ी सी, बिल्कुल नहीं। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी किसके दादी, दिखा दो ना प्लीज। मैं चिल्लाऊंगी। क्या हो रही है? क्या हो रही है माँ? लक्ष्मी यही मेरे पीछे पड़ी हुई है जबरदस्ती। क्यों लक्ष्मी? पर वो दादी मुझे फोटो नहीं दिखा रही है जो। सॉरी दादी, सॉरी, बस गलती से मुंह से निकल गया, सच में सॉरी। फोटो? हाँ फोटो, वो मैं आई थी ना रूम में दादी को दवाई देने के लिए, तो दादी किसी की फोटो से बात कर। मिल सकता है मुझे मेरा ऋषि वापस मिल सकता है सोनिया, और इसके लिए मेरे पास एक बहुत जीनियस प्लान भी है। What? I knew it, तुम ये सब कर सकती। और ऋषि भाई के लिए कोई पैर बना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम, वो कवार लक्ष्मी ने। तो चलो अभी बताओ प्लान क्या है तुम्हारा, एंड आई एम श्योर कोई ऐसा प्लान होगा जिससे ऋषि भाई को तुम्हारा बनना ही पड़ेगा। By all means सोनिया, ऋषि को मेरा ही बनना पड़ेगा। तुम्हें पता मैं क्या करने वाली हूँ? वो वेट, अब बताओ। मैं ऋषि को ऑफिस लेके जाऊंगी, एंड ऑब्वियसली बात है ऋषि ऑफिस जाने के लिए कभी मना नहीं करेगी, और तब वहाँ ऋषि के साथ सिर्फ मैं होंगी, लक्ष्मी नहीं। और लक्ष्मी वो यहाँ अकेली सड़ेगी जैसे मैं यहाँ पे हूँ ऋषि के बिना। एंड व्हाट? द एंड बेबी, सब कुछ खत्म, क्योंकि वहाँ ऑफिस में ऋषि के साथ सिर्फ मैं होंगी, और मैं मौका देखते ही उसका ब्रेन वॉश कर दूंगी। ऐसा कुछ करूंगी कि ऋषि के दिल और दिमाग से लक्ष्मी का नामो निशान मिटा दूंगी, और मेरा ऋषि वो वापस मेरा हो जाएगा, उसे मैं अपना बना लूंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तुम भाई के साथ ऑफिस में? वो तुम मुझ पर छोड़ दो सोनिया, मैं क्या करूंगी, और जो भी करना पड़ेगा ना मैं करूंगी, लेकिन ऋषि के दिल और दिमाग से मैं लक्ष्मी को जरूर हटा दूंगी। परफेक्ट, एंड गो फॉर इट एंड नेल इट। ऋषि रुको, ऋषि रुक, वेट, क्या हो, क्या गया है तुम्हें?
क्या हो गया तुम्हें ऋषि? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो? मेरे साथ? देखो मुझे, मैं तुम्हारी मलिष्का हूँ, तुम्हारी मलिष्का जिस तुम कितना प्यार करते हो। पागलों की तरह पीछे घूमते थे, मेरे दीवानों की तरह, है ना? मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम कुछ भी कर जाते थे, और अब कितने टाइम से हमने कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं किया। तुम मिस नहीं करते हो क्या? हाँ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना मिस नहीं करते ऋषि? पहले हम कितना एंजॉय करते थे, कितना खुश थे, हम पार्टीज जाते थे, डिनर, लंच, एवरीथिंग टुगेदर, ऑफिस, शॉपिंग, सब कुछ हम साथ करते थे, हम कितना खुश थे। और तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, क्या वो प्यार सिर्फ कुछ टाइम के लिए था? तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, सिर्फ मैंने किया। बोलो बोलो, तुम्हें कुछ भी याद है? कुछ भी, कोई भी ऐसा टाइम जो हमने साथ में स्पेंड किया, कुछ भी याद है? पहले वाले ऋषि क्यों नहीं बन जाते हो? मेरा ऋषि जो सिर्फ मुझसे प्यार करता था, मेरे बारे में सोचता और किसी के बारे में नहीं, सिर्फ मेरी तरफ देखता था, वैसे क्यों नहीं बन जाते ऋषि? और अगर मुझे ये सब कुछ याद आ रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं याद आ रहा? हम तो हम एक है ना, हम हमेशा से एक ही थे। तो जो चीज मैं महसूस कर रही हूँ, जो प्यार, जो फीलिंग, तुम भी तो महसूस कर रही हो ना? हो रही है ना तुम्हें महसूस? बोलो बोलो। नहीं मलिष्का, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। पर मैं क्या, असली रोमांटिक तो तेरे दादाजी थे। हाँ? हाँ, पर वो प्यार ना उस जमाने का था, हाथ पकड़ना तो दूर, आँख मिलाने के लिए भी ना जगह और टाइम देखना पड़ता था। शादी के बाद भी? और क्या, अरे जरा सी बात की नहीं कि मेरी सांस की खांसी शुरू हो जाती थी और जरा सा हाथ पकड़ा नहीं कि ससुर जी की आवाज आ जाती थी तेरे दादाजी के लिए, ओए वीरू। शादीशुदा होके भी ना छुप छुप के मिलना पड़ता था, और एक बात बताऊं, उस छुप छुप के मिलने में ना एक अलग ही मजा था। और एक बात, तेरे दादाजी मेरे लिए शायरी भी लिखते थे। सच में? तो क्या झूठ में? मैंने तो आज तक वो डायरी संभाल के रखी हुई जिसमें वो मेरे लिए शायरी लिखते थे। दादी दादी, मुझे पढ़ना है वो। बेशरम, पढ़ना है तुझे? नहीं दादी, मुझे मुझे बस देखना है कि बाप से कितना प्यार करते थे। अच्छा, अरे उस बात का सबूत इतना बड़ा उब्रॉय परिवार देख के नहीं मिलता तुझे? दादी मेरा वो मतलब नहीं था दादी। अब बड़ा शर्म आ रही है, हैं? वो मतलब नहीं था, तुझे भी ऐसे ही परिवार को आगे बढ़ाना है। हाँ जी, मैं लड्डू बना लेती। हाँ बना, पर मुझे लग रहा है थोड़ा घी कम है, मैं लेके आती हूँ। हाँ यही है आहाना। आहाना? हाँ ऋषि भाई, क्या पूछना चाहते हो आप? अरे बोलो ना ऋषि भाई, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? तू भी यही है? ऋषि, इधर उधर क्या देख रहे हो तुम? बोलो ना, किसने मंगवाया था? मम्मी जी ने, मम्मी जी ने मंगवाया था। हाँ, मॉम ने मंगवाया था। मॉम ने कहा ऋषि किचन में जाओ, सामान लेकर आओ। क्या सामान था वही दिमाग से निकल गया, भूल गया क्या सामान था। मैं मॉम, मॉम तो नहीं है ना इधर? नहीं नहीं। मॉम से पूछ के आता हूँ फिर मैं। अरे सुन। हाँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो काम करने आया ना वो तो करके जा। तो कौन सा काम? हाँ ऋषि भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं और नानी ना जाके मामी से पूछ लेते कि उन्होंने आपसे क्या मंगवाया था, ठीक है? आप कंटिन्यू करो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ के आऊंगा। पर क्या करे बेचारा, ये ना एक्चुअली हमारे टाइम के रोमांस में अटका हुआ है,
जाके जरा जफ्फी शफ्फी और पप्पी शप्पी ले ले। क्या कुछ भी बोल रहे हो दादी? वो हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में सामान लेने आया था किचन में, बट भूल गया क्या सामान था। दुनिया को अपनी ठोकर पर रखती हो तुम। रुकियो बेटा, डोंट क्राई। तुम्हें ऋषि चाहिए ना, मिलेगा तुम्हें। टेक इट फ्रॉम मी, ऋषि तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। क्यों झूठा दिलासा दे रही हो मॉम? और ये सब जो हुआ उसके बाद तो प्लीज अब मत बोलो। क्या कहा तुमने? तुमने कहा ना कि लक्ष्मी ने ये सब किया। अगर लक्ष्मी तुम्हारी लाइफ से हट जाए तो ऋषि किसका होगा? तुम्हारा, राइट? लक्ष्मी हटी तो नहीं रही है ना हमारी लाइफ से। मलिष्का, एक आइडिया है मेरे पास जिससे लक्ष्मी हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। चल चल, अरे चल, क्या कर रहा है? चल चल। मैडम, ये बलविंदर का दोस्त है, इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है बलविंदर की, इसीलिए यहाँ पे ले आया। सीधा तो खड़ा हो नहीं सकता, क्या इन्फॉर्मेशन देगा ये? चल बता, क्या जानता है तू? क्या इन्फॉर्मेशन है तेरे पास? मैडम, बलविंदर सेठ बहुत बड़ा आदमी है। मैडम, हाँ मैडम, बलविंदर सेठ बहुत बड़े आदमी क्या काम करते हैं, बहुत बड़े हैं वो, मतलब दो दो टैक्सी चलाते हैं मैडम वो, पीप पीप। उसके ना मालिक ना बहुत वो देते हैं, उसको पैसा देते हैं, पैसा बहुत बड़े आए, बहुत पैसा है मैडम उनके पास, बहुत पैसा है। तू कब मिला उसे? अभी तो मिला मैडम, मैं मतलब आखिरी बार कब मिला ये तो मालूम नहीं, लेकिन अब वो अड्डे पे आते ही नहीं है तो मैं कहाँ से मिलेगा मैडम। जब वो अड्डे पे आता था तो वो अकेले आता था या दोस्तों के साथ आता? उन सबका दोस्त है मैडम बल्लू भाई, क्या बात कर रहे हो आप। मतलब वो सबके साथ ही, मतलब फ्री में सबको दारू पिलाना मैडम अपना, ना सबका ना वो है क्या कहते हैं लंगोटे यार, ना 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 लंगोटे यार नहीं मैडम, वो बाटले यार है, हमारा बाटले। अमोल, कहाँ से लेकर आया इसको? जहाँ से लेकर आए वहीं पे फेंक गया। एक ढंग की इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है ये? क्या क्या फाल पॉकेट में टाइम वेस्ट कर रहा है मैडम का? तू कह रहा था तेरे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है, यही बड़ी इन्फॉर्मेशन है? बोले गए तेरा मुंह तोड़ू। बोल, बोलता है मैडम, बोलता है, बोल बोल। एक मिनट मैडम, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। बल्लू भाई बहुत तगड़ा हाथ मारे ला है, एक बहुत बड़े घर की बहू को ना बल्लू भाई ने फंसा लिया है। सही बोल रहा है मैडम, उससे शादी करेगा वो, उस लड़की का तलाक होने वाला है, उसके साथ बाद में शादी मारेगा बल्लू भाई। आर यू सीरियस? आई मीन ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कल इस घर में पूजा है, जानती हो ना तुम? हाँ। एक मिनट, सुनो मेरा प्लान। हम नीलम ओब्रॉय बोल रहे हैं। बोलिए। बताएंगी तो आप, वो बलविंदर के बारे में कुछ पता चला? पता तो बहुत कुछ चला, लेकिन अभी तक हाथ नहीं लगा है वो। कोई बात नहीं, कब तक बचेगा? वैसे आपको इतनी सी बात करने के लिए मुझे फोन करने की जरूरत नहीं थी। आप हमें फोन करने के लिए मना कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको बस चिंता करने से मना कर रही हूँ। वैसे भी ये केस मेरे हाथ में है और बलविंदर भी बहुत जल्द मेरे हाथ में होगा। मैं आपके घर आई रही थी कल इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपको जो भी मुझसे पूछना है आप बेशक कल मुझसे पूछ सकती हैं। आप कल आ रही हैं ना? एक्चुअली हमने कल घर में पूजा रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा आपके घर पे आना शुभ हो गया। वैसे मुझे पूजा में आना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने आप को सेल्फ इन्वाइट कर रही हूँ। ठीक है, सी यू टुमारो। अब क्या हुआ भाभी? ये औरत कुछ अजीब नहीं है? शाप है, तभी तो इंस्पेक्टर है, इन लोग को होना भी पड़ता है भाभी, कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ता है। पर अब हम क्या करें करिश्मा? हमें तो लगा था कि हम पूजा के बारे में कहेंगे तो वो आने से मना कर देगी और हम आराम से पीसफुली पूजा कर पाएंगे, पर इसे तो खुद को इनवाइट कर लिया, ये कल आ रही है, शी सेल्फ इन्वाइटेड हरसेल्फ। आने देते हैं ना भाभी, हु केयर्स, ऐसे भी हमने कौन सा कोई गलत काम किया है, किसी को मारा वारा थोड़ी हमने। बात तो तुम ठीक कह रही हो, बट यू नो व्हाट भाभी, हमेशा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जब भी ये इंस्पेक्टर्स अपने आप को सेल्फ इन्वाइट करते हैं ना, तब या तो कुछ गलत होता है या होने वाला होता है, कल कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली? करिश्मा, क्या बात है मॉम, ऑल गुड?
समझ रहे हो या फिर से समझाऊं मैं? ठीक से समझ गए ना? समझ गया। ये भी समझ, तू भी समझ गया ना गुड्डू? आ गया, सब आ गया। वेरी गुड। तो फिर मैं चलती हूं, मेरा काम ठीक से हो जाना चाहिए। सारा हो जाएगा काम। गुड्डू दरवाजा भेड़ दिया, बंद नहीं करने की। बल्लू माँ बेटी के चक्कर में मत पड़े, बेटा बहुत तगड़ा फंसेगा, सच कह रहा मैं। ये जो प्लान बताया गई है ना तुझे, जिंदगी भर नहीं निकलने का, जेल से याद रखिए। और देख ले, पैसे का लालच बहुत सही है, मतलब पैसे तो चाहिए ना हमें, पर पैसे के लिए नाले में कूद देगा, कुएं में कूद देगा। हाँ कूद जाऊंगा। और वो पुलिस वाली 24 घंटे नजर है उसकी ओवेर हाउस पे, तो जैसे वहां पैर रखेगा ना, उड़ती की हथकड़ी आ गई तेरे हाथ में और तू जाएगा जिंदगी भर जेल के अंदर, समझ गया? ना होशियार, इसकी बात मत मान। देख बल्लू, तुमने आज तक मुझे हल्के में लिया, मेरी बात नहीं माननी, पर आज मान ले। उस बुढ़िया की बात तो मैं बताऊ बेटे, तो तुझे फोन करेगी ना तो फोन ही मत उठाइए, ना ऐसा फोन करिए, समझ गया? और रही बात पैसे की, वो मैं करूंगा यार जुगाड़, टेंशन ना ले तू। आज से करेगा? मैं करूंगा, मैं टेंशन ना ले, सो जुगाड़ है अपने। वो सबसे बढ़िया, अब हरिद्वार में कावड़ चल ली, दोनों भाई कावड़ लेकर चलेंगे, भक्ति करेंगे थोड़ी सी, कहां चक्कर में पड़ रहा तू, समझ गया? समझ गया तो बोल बम बम बम। हाँ चल, चल सही से तो खा ले। अरे लक्ष्मी तुम तो बताओ, क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों, सब ठीक है? सारी बातें बताना जरूरी नहीं है ऋषि, कुछ बातें हमारी आपस की भी हो सकती है। या ओके, अच्छा ये पानी का जार मॉम के रूम में रख दो, दादी तुम्हें नीचे बुला रही है। हाँ रुको तुम, ऋषि मुकेश से कहो ये जगह हमारे कमरे में रखते हैं। मॉम लेकिन लक्ष्मी यहाँ तक आई गई है तो वो रख देगी। कहा ना हमने, मुकेश से कहो ये जग हमारे कमरे में रख दे। ओके लक्ष्मी। नहीं मैम, मैं भेजता हूँ मॉम मुकेश को। लुक एट हिम, तुम्हें जग उठाकर वापस ना जाना पड़े इसलिए वो खुद लेके आया, ऐसा तो पहले कभी नहीं किया इसने, और जब से तुम आई हो ना काम करने लग गया है। दादी ये लो। सर पे लग गए मेरे इसके। ओए नहीं मुकेश, नीचे। मुकेश ये पानी का जार मॉम के रूम में रख दे। ठीक है। और तुझे तो लक्ष्मी को बुलाने भेजा था, तू जाग उठा के आ गया। बस आ रही होगी, इनफैक्ट आ गई। लक्ष्मी आजा पुत्र, और अब बता क्या बता रही थी, कैसे सजाना है हम कर लेंगे। अरे लेकिन आप लोग कर ही क्यों रहे हो, मैंने कहा था ना मैं सब कुछ संभालूंगी, मैं कर लूंगी। क्यों, मेरे हस्बैंड का जन्मदिन नहीं है क्या, और मेरे नाना जी का जन्मदिन नहीं है क्या? हाँ और मेरे दादाजी का जन्मदिन नहीं है, हम सब मिलके मदद करेंगे। हाँ हाँ, ये हाँ है कि ना है इसकी? अरे दादी इसका ऐसे ही है, आप अपने हिसाब से समझ लो जो समझना है। मैं तो हाँ ही समझा था। मैं भी हाँ ही समझ लेती हूँ, और मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ इसे ऐसे। चलो काम करना है बहुत सारा, आ जाओ। थाली थाली कहाँ है? आई काला कुत्ता, काला कुत्ता, काला कुत्ता, काला कुत्ता। नहीं नहीं नहीं, ये हम सब काला कुत्ता काला कुत्ता काला कुत्ता क्यों कर रहे हैं, आपस में एक बार साथ टकरा लो ना, काला कुत्ता नहीं काटेगा, सिंपल। हाँ और फिर तुम्हारी लड़ाई भी नहीं होगी। ओ अच्छा, अब मैं समझा, इनका रोज आपस में साथ टकराते तभी भिड़े रहते, रोज लड़ते रहते। ये लड़ाई वो वाली लड़ाई नहीं होती है, ये लड़ाई प्यार वाली होती है। अच्छा प्यार, चलो चलो जल्दी से प्यार व्यार कर लो, मतलब लड़ाई करो। खोतिया सब कुछ बुलवा देता है, मेरा मतलब है सिर एक बार फिर से टकरा लो। एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे, मैं मेहमान बन गए। I wish कि मैं गई होती बलविंदर से बात करने, मैं जानती हूँ कि मैं उससे कुछ भी करवा सकती हूँ, लेकिन दुर्गा देवी
कि मुझ पर नजर रखे ये भी जानती हूँ मैं, इसे शक है मुझ पर। आई नो इट वेरी वेल। तो अच्छा ही हुआ, अच्छा है कि मॉम गई उससे बात करने। आई नो ये प्लान थोड़ा ज्यादा डेंजरस है, आई मीन कुछ ज्यादा ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो लक्ष्मी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये दोनों है, लव भी और वॉर भी। आई जस्ट विश कि मेरा प्लान काम कर जाए। भगवान जाने कि परंदर काम करेगा भी या नहीं करेगा। और मॉम को भी देखो, फोन पे कुछ नहीं बताया, बोली कि यहाँ आके बताएंगे, और मैं इतनी स्ट्रेस घूम रही हूँ अभी तक आई नहीं है। मॉम ना इन्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। मुझे मजा आता है। मलिष्का यही सुनना बाकी रह गया था कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, अपनी बेटी को परेशान करती हूँ, जिसके लिए मैं खुद परेशान रहती हूँ। अरे आप प्लीज ये सब इतना लिटरली मत लो मॉम, मैं स्ट्रेस हूँ क्योंकि आपने मुझे फोन पे कुछ नहीं बताया। जस्ट लीव ऑल दैट, आप मुझे बताओ ना कि प्लीज ये आप बलविंदर से मिली थी ना, वो मानेगा, वो करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा मलिष्का, मैं गई थी उसके पास, वो क्या उसका बाप भी करेगा, हाँ कह दिया उसने। श्योरली, थैंक यू सो मच मॉम, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बट तुम क्या कर रही हो मलिष्का, तुम इस घर में ही हो ना, तुम्हें पता है क्या हो रहा है बाहर? क्या हो रहा है बाहर? जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। वो लक्ष्मी तुम्हारे ऋषि के साथ रोमांस कर रही है, वो भी खुलेआम। गॉड, मैं तो बता भी नहीं सकती तुम्हें। आई नो, मैंने भी ऐसे ऐसे नजारे देखे ना मॉम, आई कांट इवन टेल यू। लेकिन ये लक्ष्मी है ना, ये है ही ऐसी लड़की, लड़की होने का ना फायदा उठा रही है, और अब पूजा के बहाने जा रही होगी करीब ऋषि के। देन यू गो ना, कुछ करो जाके। मैं क्यों जाऊं मैं, ताकि ऋषि मेरी दोबारा बेइज्जती करे, मुझे धक्का मारे, और इस बार लक्ष्मी के सामने और पूरे घर वालों के सामने मुझे धक्का मारे, इसलिए जाऊं मैं? नो मॉम, अब जब तक ही लक्ष्मी का जादू ना ये ऋषि के सर से नहीं उतरता, ऋषि मेरे करीब नहीं आ सकता, और करीब आना तो बहुत दूर की बात है, अब वो मुझे उस तरीके से देख भी नहीं सकता जैसे पहले देखता था। तो वही जादू तुम्हें चलाना होगा मलिष्का, और मेरी बात ध्यान से सुन लो, लक्ष्मी ऋषि की लाइफ में रहे या ना रहे, तुम्हें ऋषि की जिंदगी में रहना है, वरना ऐसा ना हो कि लक्ष्मी कल को उसकी लाइफ से चले जाए लेकिन वो तुम्हारे फिर भी करीब ना आए। क्या आप मुझे इतनी गई गुजर नाकारा समझती हो? ऐसा नहीं होगा मॉम, एक बार ये लक्ष्मी आउट हो जाए, उसे छुटकारा मिले ना ऋषि को, तब देखना मैं कैसे ऋषि को अपनी मुट्ठी में करूंगी। गुड, तो फिर रेडी हो जाओ, कल लास्ट डे है जब लक्ष्मी ऋषि के करीब होगी, उसके बाद ऋषि हमेशा के लिए तुम्हारी बाहों में होगा। अब तो कल का दिन याद रहना है, बल्कि जब तक जीऊंगी ना तब तक याद रहना है। उनका जन्मदिन तो उनके जीते जी हमने कभी ऐसे अच्छे से नहीं मनाया, सच्ची दादी। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बस मेरा मन था कि जितनी खुशियां मिल रही हैं उन खुशियों को जीना चाहिए, खुशियों से ही तो जिंदगी बनती है, जिंदगी में रंग होते हैं। सच कह रही है पुत्र, जिंदगी तो जीने का सामान इकट्ठा करने की भाग दौड़ में ही बीत जाती है, जीना तो रह ही जाता है। वही तो, जो पल जी लिए वही जिंदगी, और ये पल अपनों के साथ जिए तो जिंदगी वरदान। मैं शालू की मदद करती थी। सच में बहुत अच्छी लड़की है दादी। एक्चुअली मैं लक्ष्मी को ना एक अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ। कोई नेकी और पूछ, अरे जितने गिफ्ट भी दे ना उसको कम ही है उसके लिए। जिंदा रह पुत्र, खुश रह, खुश किता ही। माय सिस्टर, तू पहले अपनी इनर ब्यूटी पे ध्यान दे, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाना तेरे साथ। एंड मॉम, कम ऑन यार, अब मलिष्का को कॉपी करने के लिए बोल रहे हो, इसे मत बोलो, प्लीज मत बोलो। अगर इसे कॉपी करना शुरू कर दिया ना मलिष्का को, तो आप खुद धक्के मार के बाहर निकाल दोगे इसको। तो आहा ना, जो तेरा मन करे ना तू कर। ओके, आर यू सीरियस आयुष? तुम वही आयुष हो जो कुछ दिन पहले इसे बातें सुना रहे थे, तब क्या था? गलत था, बहुत गलत था माँ। एनीवे अब सही हूँ, तो सही कर रहा हूँ, एंड आई विश कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। हाउ डेयर यू, जस्ट शट अप। मॉम हूँ मैं तुम्हारी, मुझे मत सिखाया करो। हैप्पी, मेरे बच्चों को मेरे अगेंस्ट करके? लक्ष्मी भाभी, ओए, तू कैसे मुंह बना के खड़ी हुई है? मैं तेरी मॉम है यार, चलता है, टेंशन मत ले। तेरा जो मन करता है ना तू वो पहन, जो मन करता है वो कर। ओके आयुष,
मैं आना को कुछ और समझा रही हूँ, तुम माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? भाभी आप खुद बताओ, ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी को खुश नहीं देख सकती? बस भाभी कुछ नहीं हुआ, प्लीज डोंट वरी, ओके? कुछ नहीं होगा, आप तो जानती हो ना मॉम कैसे, बट आप टेंशन मत लो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा पक्का, ट्रस्ट मी। मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है, बस मैं चाहती थी कि आज के दिन किसी का मन खराब ना हो, कोई दुखी ना हो, बस सब खुश रहे घर में, इसीलिए। हे मेरे भगवान, कहां से कैसे कैसे भाभी इतने सेल्फलेस कैसे, आप कौन सी दुनिया से आए हो यार, अपने लिए कभी कुछ सोचा आपने? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि काश मैं ना आपके जैसे पूरी तरह से बन सकूं। ना ना वो नहीं हो पाएगा, है ना, तुझसे भी नहीं हो पाएगा, उससे भी नहीं हो पाएगा, ऋषि भाई से भी नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि लक्ष्मी आपका आशीर्वाद। जीती रहे खुश रहे, जब तेरे साथ कोई नहीं था ना तब मेरा आशीर्वाद था तेरे साथ हमेशा हमेशा, जिंदी रहे पुत्र खुश रहे, और हाँ हमारे घर की लक्ष्मी बन के रहे हमेशा। वैसे एक बात बोलूं दादी, अगर आज दादाजी होते ना तो आपकी इतनी तारीफ करते, क्योंकि आप बहुत सुंदर लग रही। वो होते तो तेरी तारीफ करते, क्योंकि ऐसा जन्मदिन उनके जीते जी तो किसी ने नहीं मनाया, सच में वो बहुत खुश होते। बस यही अफसोस है कि वो नहीं है, अगर होते ना तो तुझे देखते और बहुत खुश होते, और जिंदगी की आखिरी सांस तक ना मैं आज का दिन नहीं भूल पाऊंगी। मैं भी दादी, बस एक अफसोस है कि इन्हें यहाँ होना चाहिए था, होते तो तुझे देखते और बहुत खुश भी होते। पर दादाजी तो यही है, अभी तो आपने बोला कि वो यही है आपके साथ और हम सबके दिलों में भी, सब देख रहे हैं। रब तेरी हर मुराद पूरी करे। अच्छा ये बता, सब तैयारियां हो गई या मैं कुछ करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी तैयारियां हो गई हैं। और आपने वो कहा था ना कि लड्डुओं के साथ में शीरा भी बनाना है भोग के लिए, तो मैंने वो भी बना लिया। देखा अब तो यकीन हो गया ना कि जो मैं बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ, ऐसी है हमारी लक्ष्मी। यार मैं क्यों हमेशा कबाब में हड्डी बन जाता हूँ, व्हाई एवरी टाइम? ओह हड्डी कबाब, आई मीन आयुष कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ? नहीं नहीं ऋषि भाई, वो तो मैं ऐसे ही आ गया था, आप करो ना जो कर रहे थे कंटिन्यू। आयुष। हाँ जी भाभी। क्या क्या है ये? मैंने तुझे बुलाया था, तू यहाँ से भाग रहा है, लक्ष्मी ने एक आवाज दी तुझे तो? ये भाभी। हाँ जी भाभी। मैंने बुलाया तो नहीं आ सकता है, क्या है ये, मैं बुला रहा हूँ तो आया क्यों नहीं, और तू हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? ऋषि बोल, नौटंकी क्या काम है बोल। कुछ नहीं यार ऋषि भाई, मैं तो ऐसे देखने आ गया था कि आप दोनों करके आ रहे हो। सॉरी मेरा मतलब है कि आप दोनों ने चेंज किया कि नहीं किया, आप रेडी हो कि नहीं हो ये देखने आया था। रेडी हो तो आ जाना थोड़ी देर में नीचे, मतलब थोड़ी देर में आ जाना, लेटर बाद में आ सकते हो, अभी यू कैन कंटिन्यू, आई मीन यू कैन कंटिन्यू अपना ये जो रोमांटिक मोमेंट चल रहा था बैकग्राउंड में, गाने वाने एकदम बढ़िया लग रहा था, यू जस्ट कंटिन्यू। बाय जी भाभी। क्या क्या करना है? क्या करना है मतलब? वो आयुष ने कहा ना, सुना नहीं तुमने आयुष ने क्या कहा? मैंने सुना, पर तुम क्या कह रही? मैं यही कह रहा हूँ कि कपड़े पहन लिए ना तो नीचे चलते हैं। हाँ ये क्या इसका, ये बता दो तो कि तुम्हें अच्छा लगा ना, पसंद आया?
तो फिर चले नीचे। हाँ बोला। थैंक्स।